प्रभु के नाम का स्तुति हो कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया फिर से पिछले पूरा 10 साल के बाद एक इंटरव्यू देने के लिए कि 2007 में प्रोसिक्यूशन क्या हुआ था। तो मैं आपके पास ये जिक्र करना चाहता हूँ इसी मेरे टेस्टिमनी के जरिए। तो 25 दिसंबर को आप लोग जानते होंगे कि एक प्रोसिक्यूशन जो कंधमाल के अंदर हुआ था, जो हमारे इतिहास के बाहर जो एक ऐसी प्रभावशाली प्रोसिक्यूशन हुआ था जिसके बारे में मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहन, वहां पे हम लोग जैसा सुना है कि जैसा प्रोसिक्यूशन हुआ था दिसंबर में, वो 25 दिसंबर के दिन मुझे बहुत अच्छा से याद है कि जब वो सारे मसीह भाई बहन जब क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसी समय में एक तूफान के जैसा को उसी दिन में हमारा कंध अर्थात ऐसी एसटी भाई लोगों का एक रैली था। वो लोग सरकार से वो लोग ये लेके फिर से वो लोग एक रैली को कर रहे थे। जब उस वो लोग गांव के बीच में वो हो टाइम है 2 बजे के आसपास, जब वो लोग गांव के अंदर जाकर के जब वो रैली कर रहे थे उसी समय में ऐसा हुआ कि सारे लोग वहां पर चर्च में सारे लोग बैठ करके प्रभु की आराधना कर रहे थे। मैं उसी समय में घर पे था जब मैंने वहां पर, तो हम लोगों ने एक आवाज को सुना जैसा वहां लोग उधर से आ रहे थे। वो किसी को पता नहीं था कि वो लोग जब गांव की आखिरी सीमा में चले गए और वहां पर एक चर्च को उन्होंने तोड़ के आया था। वो लोगों के बीच में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल लोग वहां पर, ब्राह्मणवादी और मनुवादी के लोग वहां पर घुस गए वो लोगों के बीच में। वो लोगों को वो लोग भटकाया और वहां से वो गांव की आखिरी में एक चर्च को उन्होंने तोड़ डाला और एक घर को उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन किसी को पता नहीं था। परंतु एक भाई वो जो लोग चर्च में नहीं थे वो लोग दौड़ के आकर के चर्च वाले को बोला कि वहां पर जो लोग यहाँ से रैली करके निकल गए थे वो लोग एक चर्च को तोड़ा। जैसा वो लोग पूरे सिंपली आ रहे थे, ऐसा किसी को पता नहीं था कि जब चर्च के एक सारे गांव के सारे लोग एक जगह में चर्च कर रहे थे, उसी समय में जब वो लोग वहां से निकल के गुजर के आ रहे थे, उसी समय में और एक लोगों ने उधर से लोग जब विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग जैसा चर्च में पथराव किया, चर्च को तोड़फोड़ किया, तो लोगों ने उसके बाद डर के भागने के लिए शुरुआत किया। जैसा एक वो लोगों के अंदर जब एक भैया ने चर्च को तोड़ रहा था, उसी समय में वो ऊपर से क्रॉस को जैसा तोड़ रहा था, चर्च के ऊपर से वो बैन चर्च का क्रॉस को जैसा तोड़ने के टाइम में वो नीचे गिर पड़ा। जैसा गिर पड़ा तो वो लोग सोचा कि इसको चोट लग गया, जैसा वहां पर वो लोग वार्तालाप की इसको हॉस्पिटल ले जाए। उसी समय में जो आरएसएस का जो ट्रेनर था, जो बहरामपुर से एक भैया थे, बरमपुर से आकर के जो ट्रेनिंग दे रहे थे, वो काफी साल से वो गांव में थे, वो व्यक्ति और एक भगवान पंडा बोल करके एक व्यक्ति जो है कि उनको दो लोग मिलकर के रास्ते उनको लेके गए और रास्ते में वो मेडिकल तक नहीं पहुंचा और आकर के उनको बोला कि उनको ज्यादा चोट नहीं लगा था, परंतु आके बोला कि नहीं, आपका वो भाई मर गया। तो उसी के बाद उग्र रूप में कंधे लोगों के बीच में एक आग जल गई कि नहीं, और ये क्रिश्चियन लोगों के चक्कर में मेरे हमारा भाई में से एक मर गया है। तो वो ऐसा होकर के उन लोगों को भड़काया, वो लोग ऐसा हो गया कि वो लोग हमारा क्रिश्चियन समाज के लोग भड़क गए। उसके बाद शाम के समय में पूरा एकदम गांव में एक खलबली मचा हुआ है, लोग तपरा तपरी इधर से उधर भाग रहे। उसी समय में हम 5 बजे के समय है, 5 बजने के समय में ऐसा हुआ कि वो लोग जब सारे लोगों का घर तोड़ना शुरू किया है, जो मारना शुरू किया, उसी समय में मैं मेरे परिवार के साथ मैं हम लोग सारे लोग अंदर घर के अंदर दरवाजा बंद करके थे। मेरे भाभी लोग को मेरे सारे लोग मेरे भाई लोग अपना भाभी लोगों को भी छोड़ के भाग गए, अपने माँ मम्मी लोगों को छोड़ के भाग गए। परंतु हम लोग जब घर के अंदर थे, उसी समय में क्या है कि कुछ लोग आने के बाद घर के ऊपर चढ़ गए और मिट्टी का तेल वो वहां पर किरोसिन ऑयल जैसा घर के अंदर डाला। तो हम लोग सब लोग कांप रहे थे कि प्रभु हमको बचाओ, हम लोग कहाँ भागेंगे, क्योंकि हम लोग डर गए कि बाहर से सुनने आ रहा है कि बहुत सारे लोग मर गए। तो ऐसा करके हम लोगों को कोशिश किए कि उस घर से निकलने के लिए, लेकिन उसी समय मैं आवाज सुन रहा हूँ, जैसा मैं एक खिड़की के पास में जब दरवाजे के पास में गया, तो एक शावल से जैसा एक बहुत बड़ा तलवार से उन्होंने क्या कर दिया कि दरवाजे पे मारा। तो मैं जैसा दरवाजे पे पास गया तो कान के पास में होकर के वो शावल निकल गया। परंतु
हम लोग डर गए, डरने के बाद कैसे करेंगे क्या करेंगे, तोड़फोड़ हो रहा है, लेकिन हम लोग को पूरा अपना जान बचाने के चक्कर में, हम जान बचाने के लिए दुआ कर रहे थे प्रभु आप हमको बचाइए। लोग चिल्लाने लगे, लोग जंगल के और भागने लगे, तो हम लोग आवाज सुन रहे चलो भागो भागो भागो, बहुत सारे लोग हजार हजार के लोगों आक्रमण किया, परंतु हम लोग मेरे मम्मी ने बाहर हिम्मत बांध करके बाहर जब आए तो मैं उसी समय घर से हम लोग सुन रहे थे कि हमारे जो मित्र लोगों के साथ हम बैठते हैं, जो मित्र लोगों के साथ हम कॉलेज में जाकर के खेलना कूदना, कॉलेज में पढ़ाई करना, स्कूल में बचपन से जिनके साथ हम लोग उठते बैठते थे हिंदू भाई लोगों के साथ में, तो वो लोग भी हमारा घरों में आकर के घरों को तोड़ने में वो तोड़ रहे थे, तो हम लोग उनका आवाज को सुना कि वो तो हमारा फ्रेंड है, ये लोग जो लोग हमको दिन रात हमारे साथ में वो मिलके रहते, ये लोग हमारा घर को कैसे तोड़ रहे, तो हम लोग सोच लिया कि प्रभु दुआ से हमको बचा ले, तो हम प्रभु हम अपना प्राण को प्रभु आपके हाथों में देते, हम लोग दुआ किया और हम लोग उसी के बीच में लोग हमको पथराव मार रहे थे, मेरे मम्मी का सिर फट गया, तो भी हम लोग जंगल की ओर भागा, जंगल में हम लोग भागते गए, ऐसा भागते भागते हम लोग चले गए। उसी समय में पहला दिन रात को बहुत सारे जैसा हमारे गाँव में अब जैसा हमारे गाँव में कम से कम पूरे एकदम 2000 के घर के आसपास है, वो उतने घर एटी टाइम शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पूरा आग लगा दिया, पूरा घर को पूरे गांव जल गया। तो हम उसी समय में जंगल से हमको कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहे थे कि जैसे हम लोगों को पता नहीं कि पुलिस कैसे आएगा, परंतु हम लोग सारे लोग अपना प्राण को बचाने के लिए हम लोग जंगल में भाग गए। जंगल में बहुत सारे ऐसे महिला है, हम लोगों ने उनको देखा है कि बहुत सारे महिलाएं जो लोग पेट में बच्चा था प्रेग्नेंट थे, परंतु वो लोग जब जैसा कि वो आ रहे मारने के लिए दौड़ के आ रहे हैं, जो बजरंगबली जो श्री राम बोल के जैसा आवाज को साउट करके आते थे, उसी समय में एक महिला है जो महिला हमारा जो बहन हो गई वो उन्होंने क्या कर दिया, वो लोग पूरा जैसे दौड़ के जाने के टाइम वो बच्चा को डिलीवरी कर लिया, लेकिन वो खून के लथपथ में वो जंगल में भाग गई। एक पास्टर का पैर टूटा हुआ था, वो पास्टर को हमने जबरदस्ती ले गए। रात को 12 बजे के आसपास बच्चे लोग चिल्लाने लगे मम्मी हमको खाना दो, तब उसी समय में सारे लोग जंगल में अपना बच्चे लोगों का मुंह को बंद कर देते थे, ऐसा एक खौफ। हमारे पास ना कपड़ा था ना हमारे पास पहनने के लिए कोई था, जो जिस हाल में निकल गया था उसी समय में इतना सर्दी था। 25 दिसंबर रात की है ये बात, 25 दिसंबर 2007 की बात है, जो रात को हमको कभी भी फील नहीं हुआ, कभी भी हम लोग महसूस नहीं किए कि कितना सर्दी है कितना गर्मी है कि हमको कोई पता नहीं, कोई तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहे। बच्चे लोग जो रो रहे थे वो पास से कोई जो श्री राम जय बजरंग बली बोल के चिल्ला रहे थे, आओ हम सारे लोगों को मारेंगे बोल के जैसा आवाज आ रहा था, तो हम लोग बच्चे लोगों को मुंह को बंद करते थे, मम्मी लोग नहीं चिल्लाओ, बच्चे को पूरा कपड़े में मुंह को दबा दे रहे थे। लेकिन रात को जब एक बच्चा ने रोया कि नहीं तो बच्चे को हमको खाना चाहिए कर चो, लेकिन उसी समय में मम्मी भी अपना बच्चे को दूध पिलाने के लिए डरती थी क्योंकि बच्चा रोएगा, परंतु हम लोगों को प्रभु ने बचाया। जैसा रात को 1 बजे के आसपास कुछ पुलिस बहन आया, जैसा पुलिस बहन आया तो उसी समय में हम लोगों ने कुछ जवान लोग जो थे उन लोगों को हमने ठान लिया कि नहीं चलो हम लोग जाके उन लोगों को कुछ बातों को रखेंगे, एटलीस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के हम FIR दर्ज करेंगे। परंतु वो FIR को कोई लेने के लिए वहां पर जब वहां पर देने के लिए गए, कुछ भाई लोग जो लोग पुलिस में कार्य करते हैं वो डिफेंस में थे, वो लोग भी हमारा साथ, हम सारे लोग मिलकर के हम जब वहां पर गए, वहां पर पुलिस वैन के अंदर देख रहे हैं कि कुछ RSS भाई लोग हैं जो लोग उनके बीच में उनके साथ में बैठे हुए थे। तब जैसा कि हम लोगों को एक भैया जो पहचानता था वो पुलिस वाला, उन्होंने हमको बुलाया और कहा अगर आप अपना प्राण को बचाना चाहते हो आप सारे लोग वो पुलिस स्टेशन नहीं जाके सबसे पहले अपना प्राण को बचाओ क्योंकि वो लोग हमारा बीच में है। तो हम लोग ऐसा किया कि प्रभु हमको बचाइए, यहाँ पर ये लोग हमको नहीं, हम वहां पे विनती किया कि हमारे लोग अभी मर रहे, हमारा घर जल गया, हमारा सब कुछ जल गया है, हमारे लोगों को बचाया जाए, जैसा भी पुलिस प्रोटेक्शन दिया, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं आप लोग पहले अपना प्राण को बचाओ। तो उसके बाद हम लोग ने निर्णय लिया कि ये लोग हम लोगों को मदद नहीं करेंगे, तो हम लोग अपना परिवार को छोड़ करके, हम मेरे मम्मी पापा कहाँ है हमको पता नहीं, मेरे मम्मी पापा एक साइड में, मैं एक साइड में, मेरे बहन लोग एक साइड में, ऐसे परिवार पूरा छिन छत्र हो गया, ऐसा करके पूरा परिवार जल गया।
जो पूरा परिवार का सारे चीज डॉक्यूमेंट भी जल गए, हम जो पढ़ाई किया था सारे डॉक्यूमेंट सारे, और जितना भी हम लोगों को खाना रखा था, जो भी धान वगैरह था, हमारा साल की जितना भी कमाई था, वो सारे चीज जल गया, सारे डॉक्यूमेंट जल गया। हम लोग वो बारे में सोचते, हम उसी समय नहीं सोचते थे, परंतु जैसा हर दिन 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 बढ़ते गया, फिर दूसरे दिन सवेरे हुआ, सवेरे में भी हम लोगों को हिम्मत नहीं हुआ कि हम लोग गांव में जाएंगे। जब हम लोग गांव में जब जा करके आ रहे, जब हम लोगों को कोशिश किया दो तीन जवान की देखेंगे कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग, तो कोई बुजुर्ग लोगों को तो मर नहीं गए, बोले कितने लोग मर गए, बोल के हम देखने के लिए जब जा रहे थे, मेरे दादी का, मेरे जब ग्रैंड फादर का वो हाथ पैर को उन्होंने काट दिया था, मेरे बड़े बड़े ताऊ का भी उन्होंने गर्दन को काट दिया था, परंतु वो लोगों ने हमको कहा कि तुम भाग जाओ, हम लोग मरेंगे तो कोई बात नहीं। तो जैसे सुबह के टाइम 7 बजे से हम अपना अपना घर घर छोड़ के, हम गांव छोड़ के भाग के, हम जंगल जंगल होकर भाग के, उसके बाद हम लोगों हम अपने परिवार के साथ कभी नहीं मिले। और हम जब जंगल में थे, हम नीचे आने के लिए हमको भूख लग रहा था, प्यास लग रहा था, जब हम अपना प्यास को मिटाने के लिए, हम जब इतना डर अंदर आ गया था कि जैसा हम लोग पहाड़ के नीचे से जब वो आने के लिए कोशिश कर रहे थे, देखा कि तभी हम लोगों को कोई बोल देता कि आ रहे बोलने से फिर हम नीचे उतरते थे, फिर ऊपर दौड़ते थे, ऐसे बड़ा भयानक डर से मेरे हम लोग उसी समय में हम डर गए। परंतु कुछ लोगों ने जैसा कि वहां पर बोले कि नहीं नीचे जाओ, कुछ भैंस वहां पर देखो पानी था, कुछ व्यवस्था करो बच्चे लोगों का। जैसे हम लोग नीचे जाके देख रहे, कुछ बफलस जो वहां पर सोया हुआ है और बहुत गंदगी है, वो पानी को हम लोग जैसा तैसा पिए। हम लोग पूरे 3-4 दिन तक जंगल में रहे, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। हम लोग पत्ते को, सारे लीव्स को हम लोग वहां पर क्या है, हम लोग उसको खाना के रूप में व्यवहार करते थे। उसके बाद हम अपना मुझे मालूम नहीं कि मेरे मम्मी पापा जिंदा है, या मुझे मालूम नहीं मेरे भाई बहन जिंदा है, मेरे रिश्तेदार लोग जिंदा है, हम अलग अलग होकर के भाग गए। ऐसा होते हुए भी हम लोग चले गए, हमको पता नहीं कौन जिंदा है कौन कैसा है। ऐसा हम लोग पैदल चलते 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 हम लोग टिमरी वन तक चले गए, जंगल 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 होते हुए दो पूरा एक रात को जैसा हुआ, दिन भर हमको समय लगा, हमारा पैर सूजा हुआ था, ना कोई चप्पल था, ना कोई ड्रेस था, केवल इनर वेयर पहने थे और एक हाफ पैंट पहने हुए। हम लोग डरते थे कि किसी गांव में अगर जाते हैं तो लोग बोलते कि क्रिश्चियन लोगों पे मारो, ये करो, इसीलिए हम लोग जंगल जंगल होते हुए हम लोग तुमड़ी वन तक पहुंचे। तुमड़ी वन से कुछ भैया लोग जो लोग आगे हमको कोरापुट ले गए, कोरापुट में हम लोगों को लोगों ने खाना खिलाया, हम लोग को कम से कम एक हफ्ते के बाद हम लोग खाना खाया। हम लोग जैसा मुझे मालूम नहीं, मैं रोते रहा कि मेरे भाई बहन शायद मेरे रिश्तेदार सारे लोग खत्म हो गए, मुझे पता नहीं, लेकिन क्या करूं क्या नहीं, लोगों ने मुझे समझाया। फिर मुझे नवरंगपुर ले गए, नवरंगपुर में लोगों ने मुझे मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद दिया। फिर मैं वहां पे प्रार्थना करते रहा, प्रभु मेरे परिवार को बचाओ, मुझे पता नहीं था कि मेरे परिवार जिंदा है। जैसा लोगों को पता चला 10-15 दिन के बाद, ऐसा हमको मालूम नहीं था कि वहां पर रिलीफ कैंप हुआ। फिर हमको 1.5 महीना के बाद पता चला कि नहीं, आपके मम्मी पापा जिंदा है। वो लोग रोते थे कि मेरा लड़का मर गया है, परंतु हम जब वहां पर आए, एक रिलीफ कैंप में वहां पर आए, और रिलीफ कैंप में जैसा आए वहां पर गांव में एक बालीगुड़ा शहर के अंदर एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में एक रिलीफ कैंप था। उसी रिलीफ कैंप में जैसा हम आए, वहां पर हम लोगों को ये भी डर लगता था कि ये लोग हम लोगों को शायद खाना में कोई जहर डाल के मार देंगे, इसीलिए लोग बाग रिलीफ कैंप में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि सरकार उनको हम लोगों को सपोर्ट नहीं करता था, टोटली सपोर्ट नहीं किया। और लोगों ने पूरे प्लान के साथ सारे पेड़ को काट दिया था, इसीलिए पुलिस वाले भी लोग सही टाइम पे नहीं पहुंच पाते। रिलीफ कैंप में हम बहुत सारे वो चावल जो चावल खिलाते थे वो हम लोग नहीं खा पाते थे, परंतु तभी हम लोग उसी कैंप में रहा, हम एक दूसरे को लोग ढूंढते रहा, मम्मी पापा मेरे ढूंढते रहा। जैसा मैं 2 महीने के बाद लौट गया, हम कैंप में रहे। उसके बाद वो लोग हमको बारखोमा का एक गवर्नमेंट स्कूल में वो लोग कैंप के रूप में ले गए, वहां पर लोगों ने हमको पुलिस प्रोटेक्शन दिया, वहां पर हम लोगों को खाना दिया। तो अभी हमको ओढ़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग वही दुखी के वहीं पे हम लोग आराधना करते थे, वहां पे हम लोग आराधना करते थे कि प्रभु ये जो कुछ भी होता है आपके मर्जी से होता है, आपने हमको अगर जीवन दिया है, यीशु नाम को दिया है, तो प्रभु आप हम लोगों को सुरक्षा देंगे। ऐसा हम लोग कभी भी चर्च बंद नहीं किया, सारे लोग एक ही रूम में बैठ करके हम लोग सारे गाँव के लोग आराधना करते रहा, और करते 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 ऐसा हुआ कि हम लोगों को ऐसा 2007 का प्रशिक्षण में 2025 से लेकर के पूरे जून महीना तक ना हमारे पास कोई घर था रहने के लिए, ना हमारे पास कोई खाने के लिए कुछ खाना था। जो भी हम लोगों को रिलीफ मिलता था उसी रिलीफ से हम लोग
अपना गुजारा करते थे। और 2000 जब वो लोग कुछ रिलीफ दिया, 50,000 गवर्नमेंट ने दिया कि घर बनाओ, लेकिन 35,000 रुपया हम सारे घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिलता था। वो जो जो, जो सारे लोग उसी कैंप से, बहुत सारे गांव के लोग डर करके अपने अपना गांव छोड़ कर, अपना अपना वो सब कुछ छोड़ करके वो लोग आ गए थे उसी कैंप में। और हम लोग जैसे अपना घरों को बनाना शुरू किया था उसी समय में, हम लोगों को कोई सब कोई कोई घर नहीं बना था, जस्ट बनने का शुरुआत होता उसी समय में फिर से। और एक बार और एक ऐसी एक दुर्घटना घटा जो मैं आगे मैं आपको बताना चाह जा रहा हूँ।